राधे के पापा को गए हुए तो 1.5 महीना हो गया ना, फिर ये कैसे हो गया? तुम मुझे क्यों पीट रही है? मम्मी बनने वाली है तो चल चल। हाँ, 1 जुलाई का महीना ही फ्री पड़ रहा था हमारे पास, जिसमें कोई बच्चा नहीं था हमारा। थैंक यू, कितनी खुश हुई ये सुन के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सब लोग कैसे हो? तो आज का मौसम देखो कितना सुहावना सा हो रखा है, बाहर ना धुंध पड़ी हुई है, ये सारी पूरा फॉग है मेरे पीछे, आपको दिखाई दे रहा हो वो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। ठंड लग रही है, रात को भी इतनी ज्यादा ठंड लगने लगी थी ना कि एक बार तो ऐसा हो गया था कि कामा चढ़ रहा है, इतनी ज्यादा ठंड हो गया एकदम से पड़ी है ठंड। कल गर्मी लग रही थी, आज और ठंड हो गई है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखो ये पूरा फॉग है, देखो पूरा कुछ भी नजर आ रहा पीछे, और ये देखो पूरी धुंधली धुंधली नजर आ रही है सब कुछ। मानसी की भी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, वो भी थोड़ी चल रही है अभी भी, उसको रात भी पेन था काफी, पेन किलर दी तो जाके थोड़ा सा उसको आराम हुआ तो सोई है वो, अभी पता नहीं उठी है कि नहीं। मैं एक्चुअली बाहर आ गई थी एकदम से, अभी देखती हूँ पहले उसको जाके कि वो उठी है। उठ गई, कैसा है पेन है? अभी है आराम? बहुत धुंध देखो कितनी ज्यादा है, सड़क भी नहीं नजर आ रही, इतनी ज्यादा धुंध पड़ी हुई है, मेरे मुंह से धुआं भी निकल रहा है आज। मैं फटाफट बस काम कर लूं, उसके बाद फिर राध्य को भी तैयार करती हूँ। आज 11 बजे हमने उधर फंक्शन पे भी जाना है। लेकिन नहीं करी जेती सीट उपाई वेखा मन करमा के मिला ले मत विच रतन जवार माने के जे गुर के सिख सुने गुरा एक दे बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जा। तो गाइस मैंने बाट कर लिया, अब मैं इसको उठाती हूँ इसको। अदपुत उठ जा, अदपुत उठ जा मेरा बेटा, उठ जाता स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना स्कूल। देखी बाहर ना इतनी सारी धुंध आ गई, देखनी है धुंध, धुंध देखनी है। इसका पता क्या होता है, ये सुबह तो सोना नहीं है इसने, मतलब रात को तो इसने सोना नहीं है और सुबह इसने उठना नहीं है। इसका ये होता है, अभी उठा रही हूँ, उठा के इसको फटाफट तैयार करती हूँ क्योंकि 8 बज गए हैं और इसने जाना है 9 बजे स्कूल चले जाना है। तो मैं इसको ना एक्चुअली स्कूल से आती है ना तभी नहलाती हूँ क्योंकि ठंड है ना, सुबह सुबह का टाइम ठंड का होता है, फिर ये स्कूल से आती है ना मैं तभी नहला देती हूँ उसको गर्म पानी करके। सुबह सुबह तो ठंड लगी ना एक बार, फिर ये लौट भी नहीं आती यहाँ से, बड़ी दिक्कत हो जाती है इसकी। तो बड़ी जल्दी जल्दी बस इसको तैयार करती हूँ अभी, सर्दियों वाली यूनिफॉर्म इसकी और एक लेने वाली भी पड़ी है, वो भी हम लेंगे अभी थोड़ा टाइम रुक के। मैम को बोला है कि मैम इसकी ना यूनिफॉर्म आ गई है, मैम बोल रहे नहीं अभी आनी है, जब भी आएगी मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। अभी इनकी सर्दी वाली यूनिफॉर्म नहीं आई स्कूल में, मैं अभी तो इसको पुरानी वाली पहना के भेज रही हूँ जो पिछले साल वाली थी। गाइस ये देखो अभी अभी ना इसकी जस्ट ले आई है, अभी स्कूल से ही आई है, ड्रेस चेंज की है और आते ही काम स्टार्ट किया है इसने ना, क्ले से डोरेमोन बनाया है खुद भी ना हमारी हेल्प के। अब क्या बनाने लगी? क्या कुछ बता तो सही, क्या कुछ बना रही है? कुछ ना बनाने, वो दिखा दे सुपर वाला, पता नहीं क्या चीज है, सुपर सुपर तो तुझे पता कैसे चला इस चीज का कि ये बनाना है? मैं फोन में से देखती हूं। ये फोन में ना वॉइस सर्च करके वहां से कुछ ना कुछ निकाल लेती है आजकल खुद, हमारी कोई हेल्प नहीं लेती है, सब कुछ खुद करती है, बड़ी हो गई है ना अब, है ना क्या? हाँ। पर तो देख अब इसका पूरा ध्यान इस टाइम ना इन्हीं चीजों में, अब ये जब दोबारा बना देगी ना फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। अरे वो वाला गुड्डा बना जो पीछे बना हुआ है अपने, वो देख जो दीवार पे है, वो देख ना ब्लू वाला जो दीवार पे गुड्डा, वो बना बना लेगी? पहले फोन वाले बनाऊंगी उसके बाद वो वाला। ठीक है मतलब फोन वाला बना ले, चल जब बना लेगी फिर सबको दिखाना भी है, ठीक है? तो गाइस अभी जा रहे हैं इसको दोबारा से लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कल की एक बार ना आना, इसके रूट क्लीन होंगे ना, रूट कनाल, रूट क्लीन क्या बोला था, आज लेके जा रहे हैं। रात भी इसको दर्द था, एक बार होगी यार दर्द, डेली डेली की दर्द से अच्छा है कि एक बार हो गई उसको खत्म करो फटाफट। पर वो जो 15 मिनट दर्द होता ना, 15-20 मिनट में आके भी घर कितनी देर तक तड़फती रही थी दर्द से, और आधा वह फोन लगा के बैठी हुई थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि फोन की आवाज जैसे मेरे कानों को चीरती हुई सिर में जा रही है, ऐसा लग रहा था। ते थोड़े नाल एक गल असी होर सांझी करनी है। हां जी हेलो जी, ते हुण मैं थोड़े नाल एक गल सांझी करना चाहनी हां कि साडी इस बंदे नूं ढोलकी बड़ी घैंट बजानी आंदी है, जे किसी कोल बुकिंग वाकिंग होवे ते सानूं बुलाया जावे। मैं छुंछना बड़ा अच्छा बजा लैंदी हां, ते साडी राधे चमचा बड़ा अच्छा बजा लैंदी है। साडे कोल सब तों पहला रुको, जब मैं बात कर रही हूं तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, तो सानूं सोसाइटी विचों पहली बहुत सारे न्योते आ चुके हैं, साडी बुकिंग बहुत ज्यादा तेजी नाल चल रही है, ते ए ढोलकी बजाने वाली बीबी नूं बहुत याद किया जा रहा है, ए बीबी बड़ी घैंट ढोलकी बजाउंदी है, सारे मगन हो जांदे सुणदे सुणदे, कहिंदे बीबी ढोलकी ते हटनी नहीं चाहीदी, बीबी नूं खाण लई समान एक्स्ट्रा दित्ता जांदा है ताकि बीबी ढोलकी बड़ी घैंट हो जावे, इहनूं खाण वास्ते जैसे
ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸਮੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਢੋਲਕੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਵਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਘਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੁੰਛਣਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਛੁੰਛਣਾ ਗਲਤ ਵਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸੋਰੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਨੂਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਛੁੰਛਣਾ ਵਜਾਇਆ ਹੱਥ ਛੁੰਛਣਾ ਵਜਾਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਤਰੀ ਚੱਲ ਲਓ ਚਲੇ ਇਹ ਦੰਦ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਊਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਰੁਆਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਆਇਆ 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 ਫੋਲੋ ਫੋਲੋ ਅੱਜ ਮਾਨਸੀ ਕੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਉਤਰ ਕੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿਆਨ ਵਾਲੀ ਲਿਫਟ ਚੱਲ ਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਟ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਅੱਧੀ ਬਾਜੂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿਕਾਲਨੇ ਪੜੇਗੇ ਹਮੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧੋਣੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੱਥ ਸੇ ਧੋ ਕੇ ਗੇਰ ਵੀ ਦਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਕਲੀਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਧੋਇਆ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਜਾ ਜੀ ਲਿਫਟ ਮੇ ਤੁਮ ਲੋਗ ਆ ਗਏ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਅਭੀ ਇਸਕੇ ਦਾੰਤ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਵੈ ਸਮ ਲੋਗ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਹੈ ਅਭੀ ਮਾਨਸੀ ਸੇ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛ ਕਿਛ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੋ ਕੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਟਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸਕੀ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਅੱਛੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸਕੋ ਹਮ ਸੋਏ ਸੋਏ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੈ तो ये देखो मानसी अभी पहुंच गई है अपनी जगह पे यहाँ पे दिखता है इसका पूरा और ये रंदे पड़े हैं सारे जिसके साथ इतने दांतों का तो अभी मानसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगा है देखते हैं अब आज भी मेरे को दर्द हुआ ना इसने रात को फिर हाय हाय करनी है जैसे कल कर रही थी बहुत ज्यादा कर रही थी सर कल खाया नहीं इसने रात को कुछ भी बट जब ठीक हो गई थी फिर खाया था गाइस हम ना कब से आए हुए हैं अभी भी मानसी का दांत नहीं हुआ है क्योंकि इतना अंधेरा भी हो चुका है अब हमें वापस भी जाना है बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया अभी भी उसकी चल रहा है ट्रीटमेंट अभी भी बोल रहा है कि आधा घंटा और लग सकता है मे भी तो अभी भी इसके जो दांत का वो है ना वो चल रहा है अभी भी लगेगा बोल के आधा घंटा लग सकता है अभी पेन जाना वो बोल रहा है आज ना पेन ख़त्म करके ही इसको भेजेंगे तो गाइस हम लोग ना अभी आए हैं जस्ट वहां से और ये तो पै गई है कहती दर्द हो रहा है और आद्या को मैं बिठा के गई हूँ कि काम कर ले और ये काम के बहाने ना ये कर रही थी बैठ के खेल रही थी को बोला ना मैंने दो तीन कॉपियां हैं इनका काम कर ले जल्दी फटाफट ना इनका काम कर ले मम्मा मैंने कहा है जो स्मॉल वाली है उसको टिक करना है जो बिग वाली है उसको सर्ट हाँ यही करना है इसमें और अभी मैं लगी हुई हूँ इसके ना कुछ कपड़े हैं गर्म आज ठंडी बहुत ज्यादा होगी थी तो मैं इसके ये वाले कपड़े भी निकाल रही हूँ और उस कमरे में भी सारे कपड़े निकाल रही हूँ कि इसके निकाल दूँ क्योंकि ठंड होगी है हाँ जी ये तो ज़ेब्रा कैपिटल हाँ जी तो फिर इसको सर्कल ये स्मॉल इसको ठीक है अच्छी बात है अब जल्दी जल्दी सारा काम सही कर ले अभी मैं लगी हुई हूँ अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है खाना भी बनाने को पड़ा है यहाँ पे ना मैं सारे कपड़े निकाल रही हूँ इसके आराध्या के कि सर्दी होगी है सर्दी के कपड़े भी निकाल दो इस स्कूल में कल फंक्शन है फंक्शन में उन्होंने बोला है कि कल चिल्ड्रंस डे मनाना है तो आपने कैजुअल में आना है यूनिफॉर्म नहीं पहन के नहीं कैजुअल कपड़ों में आना है अभी मैं इसके ना कपड़े ढूंढ रही हूँ कि कोई कपड़े निकाल दूँ बट निकालने पड़ेंगे गर्म क्योंकि सुबह सुबह होती है बड़ी ज्यादा धुंध तो इसलिए मैं ना गर्म कपड़े ही निकाल रही हूँ दूसरे तो पड़े थे हाफ स्लीव्स पर कल हाफ स्लीव्स पहना के भेजना नहीं है गर्म कपड़े पहनाने हैं पहले इसके वो वाले निकाल दूँ उसके बाद खाना वगैरह बनाती हूँ अभी उसको तो पेन हो रहा है बोलती मेरे से नहीं उठा जा रहा है तो अभी मैं खाना वगैरह बनाऊंगी फिर उसको देखती हूँ उसको भी लाइट खाना खाना है तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ पहले इसका खत्म कर दूँ ये सारा कपड़े वगैरह तो गाइस कल ना आराध्या के स्कूल में कैजुअल यूनिफॉर्म में आना है और आराध्या को हमने ये वाला मास्क दिलाया उन्होंने मास्क बोला था पहनने के लिए देखो अंदर से कौन निकल गई चुई अब क्या बनेगी ये क्या है क्या आराध्या ये किस चीज का मास्क है वो कैसे करता है और अगर उसको लाइटर ना होता प्लग पे जाले देता वो छोटा टक टक के जाता
अच्छा बेटे तू नीचे ना लटक जी कि बेड ते हेठा लटक जी, फिर मेनू बड़ी दिक्कत होगी तेन चुप कराने में। स्पाइडरमैन की खा के हटिया? तो गाइस अभी ना मैं बैठी हुई थी और ना काफी दिनों से ना मेरा मन खराब हो रहा है और मतलब मेरे को चक्कर से आ रहे हैं, शायद ना मेरे को पेन बहुत ज्यादा है और उसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके कारण हो सकता है। और मैं खाना खुना भी प्रॉपर नहीं खा रही क्योंकि कुछ खाया तो जा रहा नहीं मेरे से, तो मैं लिक्विड पे ही हूँ। तो आज ना मेरा मन कर रहा है कि मैं ना रूप पे करूँ एक प्रैंक, मैं उस पर ये प्रैंक करूंगी कि मेरे को काफी चक्कर आ रहा है, वॉमिट आ रही है, तो मैं ना मेरे को मैंने टेस्ट किया है तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब देखते हैं कि उसके क्या रिएक्शन आते हैं, वो क्या बोलती है मेरे को, क्या करती है, क्या सोचेगी वो। लेकिन मुझे इतना भी पता है वो कुछ ज्यादा नहीं सोचेगी, वो खुश हो जाएगी जहां तक मेरे को, मैं जितना उसको जानती हूँ उतना। और पता नहीं उसके दिमाग में ये चीज आएगी कि नहीं आएगी, क्या अभी पिछले मंथ ही मेरे को पीरियड्स आ गए थे। चलो गाइस पहले ना उसके साथ प्रैंक करते हैं, देखते हैं कि ये प्रैंक मैं सक्सेसफुली कर भी पाती हूँ कि नहीं। अभी ना वो हेडफोन लगा के देख रही है, पता नहीं सीरियल देख रही है क्या देख रही है, मैं उसके पास ही उठ के आई हूँ। रूप सुन मेरी बात, बहुत सीरियस बात है, ध्यान से सुनना यार। मेरा ना 2-3 दिन से काफ़ी मन खराब हो रहा है और मेरे को इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे को जब तू परसों रात सो गई थी तब भी मैं वॉशरूम में जाके उल्टियाँ करके आई, मैंने सोचा तू उठ जाएगी इसलिए मैंने तेरे को बताया नहीं। तो मुझे आवाज़ तो आती ना, कहाँ गई है ऐसी? सच्ची कसम से मैं दूसरे वाले बाथरूम में गई थी, कल भी सुबह भी मेरे को आ रही थी, मतलब मन खराब हो रहा था, वोमिट तो नहीं आई पर मन बड़ा खराब हो रहा था। आज भी जब मैं अभी खाना बना रही थी ना, खाना बनाते बनाते मैं उल्टी करके आई हूँ। तेरी झाड़ की वजह से हो रहा होगा, चल हम डॉक्टर के पास दिखाते हैं। उसने पता है एक इंजेक्शन नहीं, उसने 2-2 इंजेक्शन लगाए थे तेरी झाड़ में, सुन करने वाले नहीं सुनना। मैं ना मैंने टेस्ट किया प्रेगनेंसी और वो पॉजिटिव आया है। क्या सच्ची पॉजिटिव आया? मम्मी बनने वाली हूँ सच्ची? चल पार्टी करके आते हैं। कहाँ पार्टी करके आते हैं? बाहर जाती है ना कहीं, मौका भी है दस्तूर भी है। चलो यार आराते को छुट्टी है, चल लेके चलते हैं, सभी चलते हैं। पर अभी ना 1 महीना ही हुआ है। 1 महीना यार, अराते के पापा को कोई हुए तो 1.5 महीना हो गया ना। फिर ये कैसे हो गया? क्या बता मुझे कैसे हो गया, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कि कैसे हो गया। चल छोड़, खुशखबरी तो आने वाली है। खुशखबरी नहीं, मेरे को टेंशन बड़ी हुई है यार, मेरे को बनने वाली तू मुझे क्यों पीट रही है? मम्मी बनने वाली है तो चल चल। पहले मेरे को ये तो बता हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको हैंडल? कैसे क्या करना है, जिसने आना उसने आ जाना अपने टाइम पे। चल अब चलते हैं, हम तो पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं, तेरे को भी बड़ा मन हो रहा है ना चीजें खाने का, हम जाके खा के आते हैं। इसके पापा राधा के पापा को कैसे बताएंगे? क्या बताना है उसको, तो चला गया उसको क्या बताना, हम अपने आप अपने बेबी को बड़ा कर लेंगे। मैं हूँ ना मम्मी उसकी बड़ी, ऐसे ऐसे मेरा नन्ना मुन्ना चल चले चल यार। कौन सा महीना है ये वाला? देखो मेरे जन्मदिन पे तो नहीं आ जाएगा ये वाला महीना, चल रहा नवंबर है ना, नवंबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। हाँ 1 जुलाई का महीना ही फ्री पड़ रहा था हमारे पास, जिसमें कोई बच्चा नहीं था हमारा। मेरे पास फोन बड़े गंभीर फोन आ रहे हैं, चले 1 मिनट में है। अब क्या करें, चल यार चलते हैं, कंपनी फोन करी जा रही है, चल चलते हैं, डिस्टर्ब कर रहे लगता है उनको भी पता लग गया। तो गाइस हम जा रहे हैं पार्टी करने, बड़ा मजा आएगा ठीक है। पार्टी में थोड़ा दिखाऊंगी मैंने ऐड चंगी चंगी, हम जाएंगे मूवी देखेंगे पहले, फिर हम पार्टी करेंगे, फिर हम पिज्जा खाएंगे, सब कुछ करेंगे। चल आ जाओ, चलिए चल तैयार हूँ, मैं तैयार होने जाती हूँ। चल मेरी गाल तो सुन, मेरी गाल तो सुन क्या। चल यार आज मैंने तेरा मुर्गा बना क्या, तेरे साथ अभी अभी हुआ है खतरनाक वाला प्रैंक। चली जा मेरे पास से, दिमाग खराब कर रही है तेरा, खुद दिमाग काम नहीं करता तो मेरे को क्या पता। गाइस मैंने बोला था ना इसको इस पागल बनाना बड़ा आसान है, इसका दिमाग नहीं तेरा वर्क करता। तू चली जा मेरे पास से, कहां चली जा, दफा हो जा मेरे पास से, कहां दफा हो जा, चल पार्टी करनी है हमने, पार्टी करने जाना है, चल पार्टी करने जाना, चल सच्ची जाना। अब तो अगर सच्ची में भी कभी बीमार भी हुई ना, मैंने विश्वास नहीं करना, मैंने बोला ना टंकी कर रही है, झाड़ की भी तूने टंकी की थी। क्या की थी?
नौटंकी। अच्छा तेरा टंकी फंस गया था। अब मैं लेके भी नहीं जाती तेरे को, जाड़ के उसका ले भरवाने जाना है ना, वो भी नहीं करवाने जाती, चली जाना ऑटो में अकेली। स्कूटरी तो तेरे को चलानी नहीं आती, जाना तो ऑटो में, फिर तेरे को पता लगेगा। क्यों 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 क्या तू उल्लू कैसे बना तो पीछे हो मेरे से पूरा लगा। अब तो गाइस मैंने इसका बुला दिया उल्लू। अब क्या बाल आ गए थे तेरे, मजीठिया मेरे मुंह च बढ़ गई मजीठिया। तो गाइस पर कितना मतलब थैंक यू, कितनी खुश हुई ये सुन के। मैं पता है ना पालना तो मैं ही हूँ, तय क्या करना, इसने कुछ नहीं करना, वो मेरा होगा ना मेरे साथ है। मैंने ना ऐसे भी मैं इसको बोल रही थी ना, हमने कल परसों ही बात कर रहे थे ना, आराध्या बोल रही थी कहती मुझे एक बहन और चाहिए, एक भाई और बहन दो चाहिए हो। तो मैंने आराध्या को बोला मैं तेरे को ना साइड सुला दिया करूंगी, वो फिर मेरे साथ सोया करेंगी। कहती ना तेरे नाल तो मैं ही सोऊंगी। पता उसने मेरे को क्या बोला, मैंने बोला आराध्या ठीक है एक मानसी मम्मी का बेबी हो जाएगा एक मेरा हो जाएगा, मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको। पता क्या कहती, कहती तू तो जब तक मर जूंगी, कहती तेरा तो होना नहीं, कहती तू तो बुढ़ी हो जाऊंगी, मन मेरे को बोल रही, कहती तू तो मर जाएगी कि तेरा नहीं होगा मानसी मम्मी का होगा। चल बहुत टाइम हो गया अब लेटे, तो गाइस आपको मिलते हैं थोड़ा बाद में। आओ यार कुछ है मन कर रहा है कुछ खाने का, हम कुछ ऑर्डर करते हैं। आज नीचे भी नहीं गए पकौड़े का लंगर भी था खाया। हाँ हम नहीं गए आज, मन ही नहीं कर रहा, बहुत ठंड सी आज। मैं सो रही हूँ।